ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम आदि आदि बद्री है। पहले गए थे आदि केदार गए थे और यहाँ पर आदि बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, यहाँ पर सारे तीर्थ हम लोगों ने अभी अभी हम लोगों ने दर्शन किया। जैसे कृष्ण, कृष्ण कौन है? कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। इसलिए जैसे भगवान कृष्ण के अंदर में जैसे उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे से कोई परतत्व है ही नहीं। देखो विश्व ब्रह्मांड सबके सब मेरे अंदर में विद्यमान। उसी तरह ये धाम भी ठीक कृष्ण के अभिन्न स्वरूप ये धाम है, ये धाम भी ठीक वैसे, ये धाम भी वैसे, इसलिए सब कुछ ये धाम के अंदर में। इसलिए जो व्यक्ति ब्रजमंडल परिक्रमा कर लिया वो सबके सब कुछ कर लिया है। हैं यदि यहाँ पर जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने मनोति रखा था। क्या मनोति रखा था? कहते अगर मेरे घर में एक लाला हो जाएगा ना, हम श्री बद्रीनाथ में जाकर मुंडन करवाएंगे। हम बोलते ना वहाँ पर हम मुंडन करवाएंगे वृंदावन में, नहीं तो अमुख स्थान में उनको मुंडन करवाएंगे। हैं इसलिए जब सारे ब्रजवासी तैयारी हुए, हम सबके सब जाएंगे बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, यमुनोत्री गंगोत्री जाएंगे, क्योंकि हम भारतीय लोगों का ये भावना है अगर किसी ने ये चार धाम कर लिया ना, फिर तो जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाली के लिए इसको मुक्ति मिल जाएगी। अभी तो आसानी हो गया है, गाड़ी डायरेक्ट चली जाती है। पहले अब लोगों को पता होगा, पहले जब कोई व्यक्ति ये चार धाम करने जाते थे, घर में बोल देते थे हमारे नाम पर पिंड दे देना, क्योंकि इतना आसानी नहीं था जाना। अभी भी अब बद्रीनाथ में अब एक जगह स्थान है जो जंगल होते हुए जाते, ऐसे रास्ता नहीं, वो पेड़ को पकड़ 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 करके जाना पड़ता है। वो स्वर्ग इतने कठिन है, अभी भी वो रास्ता है, बड़ा कठिन रास्ता है, चल चल करके। जैसे हम तो केवल 1 किलोमीटर चले तो हमारा अवस्था खराब हो गया, और कितने किलोमीटर चल चल करके ऐसे रास्ता में जाना पड़ता था। इसलिए रास्ता में जाते जाते ना वहीं पर खत्म, वहीं पर चिंतन करते करते खत्म हो जाते थे। इसलिए कहते थे हमारे नाम पर पिंड दे देना, शायद हम और नहीं आ पाए, इतने कठिन मार्ग था। इसलिए कहते यहाँ पर कहते सत्य त्रेतया द्वापर और कली, ये चार युग का लीला यहाँ पर हुई है। बोले सत्य युग का कौन सा लीला हुई यहाँ पर? बोले सत्य युग का यहाँ पर जो लीला है कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ देखा ना, नरनारायण ऋषि है, कहते सत्य युग में यहाँ पर ये लीला हुई। कहते एक कोई राक्षस था जिसका नाम था बलबल, जिसका राक्षस नाम बलबल दैत्य था। उसने आराधना की सूर्य देवता को, बोले क्या चाहते हो? बोले अमर भर चाहता हूँ। बोले भैया खुद ही अमर नहीं कि मैं तुमको इसे अमर भर दे दूंगा। फिर उन्होंने बोले ठीक है मेरे को 1000 कवच दो, मेरे को 1000 कवच दो, अगर कोई व्यक्ति 1000 साल तक मेरे साथ में युद्ध करेगा तो 1 कवच को वो तोड़ेगा, लेकिन जो तोड़ेगा ना उस समय वो मर जाएगा। अभी सूर्य देवता उनको तथास्तु बोल दिए, जो तथास्तु बोल दिए अभी उनको कौन युद्ध करेगा, जो युद्ध करेगा अगर वो 1 कवच तोड़ेगा तो, और उसको 1000 साल में जो तोड़ेगा वो मरेगा, जब मरेगा फिर कि युद्ध क्यों करेगा। इसलिए ये तो अजर अमर पूरा हो गया, ये तो अजर अमर हो गया सारा दुनिया में, इसलिए टहलका मचा दी। अभी कोई भी इसको साथ में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। फिर उन्होंने नर नारायण हैं, जो नर नारायण हैं इनको साथ में चुनौती किया। इतने में जो नारायण पहला नंबर आया नारायण का, जो नारायण को युद्ध आया और नर जो अर्जुन वो बैठ गया तपस्या में, नारायण ने 1000 साल तक युद्ध करके 1 कवच कुंडल को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया और जो तोड़ेगा मरेगा, इतने में भगवान थोड़ी मर सकते हैं, उनने मरने का बहाना बनाया। इतने में अर्जुन बैठा था तपस्या में, अर्जुन खड़ा हो गया, कहते मैंने जो इतना साल तक तपस्या की, ये तपस्या का फल मैं अपना मित्र नारायण को देता हूँ, जीवित हो जाए। बस नारायण जीवित हो गए, पर अर्जुन का बारी आया, अर्जुन भी 1000 साल युद्ध करते करते 1 कवच कुंडल तोड़ दिया, तोड़ दिया तो वो भी मर गए, मर गया तो नारायण खड़े हो गए, बोले मैंने जो 1000 साल तपस्या की इसको मैं प्रदान करता हूँ, वो भी खड़े हो गए। ऐसे करते 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 1000 था ना 999 हो गया। वो राक्षस ने देखा तो जब इतने
काट डाले, एक तो काट डालेगा खत्म हो जाएगा। इतने में उसने डर के मारे क्या किया, वो जा करके जो सूर्य मंडल में छुप गया। जब छुप गया इतने में गया तो अभी आ गया द्वापर युग में। अभी कृष्णा अभी अर्जुन जन्म हुए, नर नारायण कृष्ण अर्जुन जन्म हुए। जब जन्म हुए, जब कुंती ने जो दुर्वासा ने जो माला दिया था ना, उसको परीक्षा करने के लिए उन्होंने जब उन्होंने सूर्य देवता को स्मरण किया, इतने में वो जो बलबल राक्षस था वही आकर कर्ण बन करके आया। इसलिए उसके शरीर में कवच कुंडल, उसके शरीर में कवच कुंडल था उसको। लेकिन पहले नारायण फिर नर, नारायण नर, अभी बारी नर का है। अभी अर्जुन अभी नर है, अर्जुन वही अर्जुन। इसलिए लास्ट में उसने क्या किया, कर्ण को उसने लास्ट में उन्होंने वध किया कर्ण को। इसलिए कहते हैं नर नारायण की एक कथा। दूसरी जो कथा है नर नारायण की, जो कथा आती है, कहते एक समय नारद जी वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में पहुंचे देखा भगवान अनंत नाग वरसाई ने किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही है। सारे देवता लोग शांत आगाराम बुजोग स्तुति कर रहे हैं। इतने में नारद जी ने कहा, प्रभु ये दुनिया को आपने सृष्टि किया, सृष्टि तो आपने किया है ना, और वो दुनिया दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, और यहाँ तो आप तो आनंद ले रहे हो। तब नारायण ने कहा, बताओ क्या करने का चाहिए। बोले श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करता है, जो साधारण व्यक्ति इसको देख करके सीखता है। आप क्या कर रहे हो, अपना लक्ष्मी को लेकर के दिन भर पड़े हुए। सब लोग बोले कि जब नारायण लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े रहे हैं। बोले तो बता क्या चाहते हो। बोले प्रभु जी जब तक आपका कोई भक्ति नहीं करना है, इसलिए बिनु हरि भजन न भवत हरि ये सिद्धांत अपेल। जब तक कोई प्रभु की भक्ति नहीं करे, तब तक ये संसार से कोई पार नहीं हो सकता है। लेकिन सीखेंगे कैसे लोग, लोग सीखेंगे कैसे। जगत में लोग तो धन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी दुखी। इसलिए नारायण बोले, बताओ करने क्या चाहिए। बोले प्रभु आप थोड़ी सी तपस्या करो, आपको देख करके लोग थोड़ा सीखेंगे, नहीं हमें भी तपस्या करनी चाहिए। नारायण बोले ठीक है, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, लेकिन कोई बढ़िया जगह हो। उन्होंने भ्रमण करते करते जब उन्होंने श्री बद्रीनाथ में पहुंचे, सुगंधि शिला गंधमार्दन पर्वत, अब लोग गए हो अलका नदा वहाँ पर बह रही है, बड़ा सुंदर, यहाँ जैसे सुंदर स्थान है ना, वहाँ पर भी अपूर्व स्थान वहाँ पर बद्रीनाथ में। उन्होंने इसको देख करके एकदम मुग्ध हो गए। बोले वाह बढ़िया स्थान, यहीं पर बैठ करके हम भजन करें। लेकिन वो पहले था शंकर जी का, शंकर पहले वही भजन करते थे। नारायण ने देखा ये तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, मेरे कुछ करना पड़ेगा। वहां पर तप्त कुंड, अब लोग गए हो वहाँ तप्त कुंड है, रोज ये हमारे शंकर पार्वती रोज स्नान करने के लिए आते हैं। जब स्नान करने के लिए आ रहे थे, नारायण ने छोटा बालक बनकर के नारायण बर्फ के ऊपर पड़कर रोने लग गए। शंकर समझ गए कि दाल में काला है। जब चले गए पीछे पीछे माँ पार्वती आ रही थी, माताओं का मन तब कोमल होता है, बच्चों को देख इतना छोटा बच्चा रो रहा है, उन्होंने माँ गोद में उठा ली। बोले आपको ये बच्चा दिखा नहीं। बोले पार्वती दाल में कुछ काला बच्चा कहाँ से आएगा। बोले पुरुषों को सब काली काली दिखती है, इतना छोटा बच्चा मैं घर में सुला करके आती हूँ। जब सुला करके आई, जब उन्होंने स्नान करके गए ना, वो तो नारायण थे, अंदर में सुलाए ना, अंदर से कुंडी बंद कर दी और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो खोले ही नहीं। उन्होंने देखा ये कौन है, ध्यान लगाया तो देखा ये मेरे प्रभु नारायण है। बोले प्रभु अगर आपकी इच्छा यहीं पर रहना, आप यहीं पर रहो, मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। फिर शंकर जी केदारनाथ चले गए। इसलिए यहाँ पर नर नारायण ऋषि आप लोगों देखे होंगे यहीं पर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए इनका वरदान है, अगर कोई कष्ट करके यहाँ पर केवल आ जाए और मुझे दर्शन कर ले, मुझे दर्शन मात्र से ही, मैं जो यहाँ साधन भजन कर रहा हूँ, साधन भजन का जो छठवां जो फल है अपनी आप व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा केवल मेरे को दर्शन मात्र से। मतलब यहाँ आने का इतने महत्व है, इसलिए लोग इतने कष्ट करके क्यों जाते हैं। जानते हैं ठाकुर जी कलयुग के लोग जो तपस्या कर ही नहीं सकते हैं, कम से कम मेरे दर्शन करने से इनकी तपस्या क्या फल मिल जाए। आप लोगों ने देखा पास में उद्धव जी, बोले उद्धव जी फिर कहाँ से आ गए। बोले ये उद्धव कृष्ण हैं, कृष्ण जब ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उस समय उद्धव भी वहीं पर थे। इसलिए बोले प्रभु आप तो मेरे को छोड़ करके जा रहे हो, आपके बगैर मैं कैसे, आपका विरह में कैसे अपना जीवन बिताऊंगा। तब उन्होंने उद्धव जो संवाद है, कृष्ण ने उद्धव जी को ये सारी ज्ञान की बात उन्होंने प्रदान की। प्रदान करके बोले उद्धव जी तुम चले जाओ बद्रीनाथ में, वहीं पर मेरे चरणामृत जो मंदाकिनी
अलका नदा वहाँ पर बह रही है, वही मेरी चरणामृत, उसमें स्नान करो और वहीं पर साधन भजन करो और वहीं पर तुम जाकर साधन भजन करो। इसलिए उद्धव जी यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर साधन भजन कर रहे हैं और विशेष करके यहाँ पर हैं कति जो यहाँ पर है कति जो व्यास देव ने जो भागवत रचना कहाँ पर उन्होंने किया है, बद्रीनाथ में किया है। कहाँ पर किया? उन्होंने बद्रीनाथ में उन्होंने साधन भजन उन्होंने बद्रीनाथ में किया है। इसलिए जब बद्रीनाथ में उन्होंने साधन भजन किया कौन व्यास देव जी और वहीं पर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसलिए गुरु जी कहते थे उन्होंने तो सारे सब कुछ उन्होंने रचना की, विशेष करके जो दशम स्कंध जो है दशम स्कंध पूरा कृष्ण कथा और जिसमें भगवान की रास लीला है, जिसमें वेणु गीति है, जिसमें जुगल गीति है, जिसमें भ्रमर गीति है, जिसमें अद्भुत अद्भुत उसमें लीला समावेश है। इसलिए गुरुदेव कहते थे आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे वहाँ पर तो पहाड़ी पहाड़ है पर इतना सूखा स्थान पर कि जो रसस जो भागवत जो दशम स्कंध कृष्ण की जो रसमय कथा है और राधा रानी की महिमा ब्रज गोपियों की महिमा कहाँ हृदय में सूखा भूमि पर कहाँ हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो सकती है, असंभव है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इन्होंने व्यास देव जी ने यहीं पर इसलिए स्थान का नाम आदि बद्री आदि केदार आदि गंगोत्री आदि यमुनोत्री है, ये मूल है और वह जो है ना वो इनका अंश है, लेकिन ये जो स्थान है ये मूल है, कृष्ण जैसे मूल है। उसी तरह अगर यहाँ पर कोई आग्रह कर लेना लोगों को सारे केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का फल मिल जाएगा, लेकिन हम लोग बद्ध जीव है ना, हमारा मन नहीं मानता है। जहाँ पर थोड़ा ज्यादा परिश्रम नहीं हो ना, घर में घर को सामने गंगा बह रही है यमुना बह रही है, देखना जाकर नाली में कहीं नहा करके आएगा, लेकिन ये घर में गतना घर की जोगी जोगना आन गाँव के सिद्ध जब गंगा जमुना बह रहे हैं हमारे वृंदावन में जमुना बह रहे हैं, लेकिन एक बार हम जाते हैं क्या स्नान करने के लिए, अरे पास में, लेकिन और भाई बहुत पैसा खर्चा कर कहीं जाए हैं, जैसे हम लोग इतना दूर तक आए और चल चल कर देव सरोवर दर्शन किया, ऊपर में गए प्यार में चुप रहा है, हाँ लगता है कुछ करके आए कुछ हम करके आए, जाकर बोलेंगे जानते हो कहाँ पर गए थे, देव सरोवर गए थे। हाँ देवता लोग आकर वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर उनकी मीटिंग होती है, देवता लोग का निवास है, हमने देव सरोवर जाकर के दर्शन करके आए हैं देव सरोवर। और यहाँ पर हमारे घर के सामने वहाँ पर यमुना बह रही गंगा बह रही है और मानसी गंगा राधा कुंड श्याम कुंड बह रहे, एक बार जाकर के वहाँ पर एक बार स्नान नहीं करते आचमन नहीं करते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर विशेष करके यहीं पर उन्होंने भागवत का जो दशम स्कंध उन्होंने यहीं पर उन्होंने दशम स्कंध को लीला की। कहते ये सत्य जीव की लीला है, कि तृतीया जीव का जो लीला है, कहते ये जो स्थान है जब सुग्रीव जब बाली ने उसको खदड़ा हैं खदड़ा जाकर सुग्रीव कहाँ पर छुपा था, बोले यहीं पर आकर छुपा था, उस स्थान का नाम सुग्रीव जहाँ रहते थे किष्किंधा। कहते ये गुप्त रूप में यहाँ किष्किंधा है, यहाँ पर सुग्रीव भी आकर के यहाँ पर उन्होंने यहीं पर निवास करते जा भगवान रामचंद्र का तृतीया जीव का भी लीला यहाँ पर कहते द्वापर जीव का लीला है। इसलिए सारे ब्रजवासी लोग हैं सारे ब्रजवासी जब बोले हैं जब सारे ब्रजवासी तैयारी हुए हमने मनोती रखा था, क्या मनोती, घर में लाला की जन्म हो जाएगी ना, हम सबके सब लाला के मुंडन करने के लिए जाएंगे, सारे ब्रजवासी तैयारी हो गए चलो हम जाएंगे, हमने मनोती रखा था लाला की जाकर मुंडन करेंगे। कृष्ण सोच रहे देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, हाँ जो व्यक्ति मेरे चरण में रह रहे जो ब्रजधाम में रह रहे वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो जाएंगे कहाँ कहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। कभी ये गंगा कौन बोले मेरे चरणामृत, ये यमुना कौन बोले मेरे पटराणी, और